एंटी नारकोटिक्स कोर क्राइम ब्रांच नागपुर शहर ने दो आरोपी समेत 74 ग्राम, 6 मिलीग्राम MD पाउडर और 11,21,240 रुपए के अन्य सामान जब्त किए हैं। अब आगे की जांच क्राइम ब्रांच द्वारा की जाएगी। प्राप्त जानकारी के आधार पर एंटी नारकोटिक्स कोर के अधिकारियों और कर्मचारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में वर्धा नागपुर हाईवे पर ट्रेवल टाइम नागपुर सिटी बस सर्विस स्टेशन खापरी डिपो एक सार्वजनिक स्थान पर एक योजनाबद्ध जाल स्थापित किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार होंडा अमेज MH49F1827 कार को करीब आते देखा और ट्रैप दस्ते के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा होंडा अमेज कार को रोका गया। इस होंडा अमेज कार में सराय अपराधी अंकित नित नारायण पांडे उम्र 25 साल निवासी गणेश मंदिर साकेत नगर रामेश्वरी अजनी और नागेंद्र उर्फ हनी दीपक ठाकुर उम्र 20 साल गुरु तेज बहादुर नगर नारी रोड कपिल नगर नागपुर निवासी बताए गए। कल MDPS दस्ते को एक गुप्त सूचना मिली थी कि मुंबई से दो लोग MD का एक कंसाइनमेंट लेके नागपुर की तरफ आने वाले हैं और वो यहाँ पे लोगों को बेचते हैं MD, तो इसलिए हमने ट्रैप लगाया था। बेलतरोड़ी PS अंतर्गत हम लोगों ने उनको पकड़ा है। एक व्हाइट कलर का अमेज कार था, उसमें से हमको ये दो आरोपी मिले हैं जिसमें से एक का नाम है अंकित पांडे और दूसरे का नाम है हनी ठाकुर। इन लोगों ऊपर पहले 307 की उन्हें दाखिल है। इन लोगों के तरफ से हम लोगों को 74 ग्राम्स MD और एक कार और दो मोबाइल ऐसे 11,21,000 रुपये का मुद्देमाल हम लोगों ने जब्त किया है और रात में इनके ऊपर बेलतरोड़ी पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखिल किया है। यहाँ पर किसे बेचने वाले थे उसके बारे में कुछ पता नहीं? अभी तक ये आज इन लोगों का हम पुलिस कस्टडी लेंगे और इनसे पूछताछ करेंगे। अभी तक इसमें से कुछ नहीं आया पर ये लोकल में यहाँ बेचते हैं। इन्होंने मुंबई से खरीदा था। मुंबई का जो एक आरोपी है उसको हमने कुछ दिन पहले अटक किया था, 6 महीने यहाँ पे लॉकअप में था। अब छूट के आए फिर से उसने वही काम शुरू किया है। अभी वो भी अपने गुने में फरार है। वो अपने गुने में कल गुने में फरार है, अपने गुने में अटक था। वो 6 महीने अपने यहाँ लॉकअप में था, अभी बेल आउट होके फिर से मुंबई गया है। वाहन को उनके कानूनी अधिकार के बारे में जागरूक करते हुए उनके कब्जे में से 74 ग्राम और 6 मिलीग्राम वाणिज्यिक मात्रा जब्त की गई है। MD पाउडर 2,96,240 और दो मोबाइल हैंडसेट जिनकी कीमत कुल 25,000 और होंडा अमेज कार की कीमत 8 लाख और दो आरोपी और वांछित आरोपी शाहबाज रमजान खान राव है। बेलतरोड़ी पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBC News नागपुर।